जानकीदास मेमोरियल हॉस्पिटल को कोविड-19 के लिए आइसोलेशन सेंटर बनाने के पर ईटीवी भारत की टीम ने हॉस्पिटल पहुंचकर नोडल ऑफिसर से की एक्सक्लूसिव बातचीत, जिसमें उन्होंने बताया कि इस आइसोलेशन सेंटर में मरीजों के लिए क्या-क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। तो आइए आपको सुनाते हैं नोडल ऑफिसर पद्माकर राम त्रिपाठी ने हमारी टीम को क्या बताया। यहाँ पे कितने बेड लगाए गए हैं आइसोलेशन वार्ड के लिए? यहाँ 35-35 बेड्स हैं, और आप जैसा देख सकते हैं कि बेड्स जो है हमने सोशल डिस्टेंसिंग, क्योंकि आइसोलेशन के वो नॉर्म नहीं है जो टेस्टिंग वाले हैं, तो यहाँ पे हमने अकॉर्डिंगली सोशल डिस्टेंस रखते हुए और प्रॉपर नए नए बेडशीट्स जैसे चद्दर, गद्दे और ये पंखे इस टाइप के जो मेडिकल नॉर्म्स के अंतर्गत हैं वो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा दे दिया है। ये फर्स्ट फ्लोर पे कितने रूम हैं लगभग और कितने बेड लगाए हैं? हाँ, फर्स्ट फ्लोर पे बेड है हमारा करीब 25। और किसी में सिंगल किसी में हाँ, किसी डबल? में सिंगल किसी में डबल, और नीचे भी हमारे पास 10-15, वही मैंने कहा 10-15 नीचे होंगे तो वही अंतर आ रहा होगा। यहाँ पे हमारे मेरे हिसाब से 25 के आसपास है। इन्होंने से कोई चार्ज वार्ज नहीं लिया? कोई चार्ज नहीं लिया है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट इनका मतलब इनिशिएटिव है, इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव, और मैं लोगों से अपील करूंगा कि इस तरह के सिचुएशन में वो इस तरह की इनिशिएटिव कृपया करके लें, इससे प्रशासन को बहुत मदद मिलती है। हॉस्पिटल का नाम क्या है? हॉस्पिटल नाम जानकी दास कपूर मेमोरियल हॉस्पिटल, पांडव नगर, नारायणा रोड। तो इन्होंने पहल किसने किया था? पहल इन्हीं के, इनका मैनेजमेंट साइट जो एटलस ग्रुप के जो भी चीफ होंगे उन्होंने हमारे प्रशासन से, मैडम से, हमारी जो श्रीमती नेहा बंसल मैडम जो हमारी डीएम हैं और श्री धर्मेंद्र सर जो हमारे एडीएम हैं उनसे संपर्क किया और फिर हम यहाँ पे आए।